अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ये घर का है। मुझे बिफोर वीडियोस बनाते हुए कम से कम 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज एक अजीब सी खुशी हुई है क्योंकि मैं YouTube पे आ गई हूँ। आप शायद ये सोच रहे होंगे ये कोई अफ्तार टाइम है, लेकिन अफ्तार टाइम ही लेकिन अफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज मैंने ऐसे टेस्ट जो हर साल हम लोग टेस्ट करते हैं डिफरेंट रेसिपीज, तो ये हमने अभी अपनी ऑथेंटिक रेसिपी जो दही भल्लों की है वो हम लोगों ने आज तैयार की है। उसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दी है, वही चीजें होती है लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो तो चीज अच्छी लगती है। सो एवरीथिंग इज कमिंग इन अ जार, डिजर्ट इन अ जार, कुकी इन अ जार, तो दही भल्ले ऑल्सो इन अ जार। और इसके साथ ही मैं और चाट की रेसिपीज देखे आऊंगी जो भी हम चार जार में हम लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सब मैंने खा लेना है, नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफ्तार मेन्यू की तैयारियां हो रही हैं। बाजार में तो बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन मुझसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो चीजें जो कि हम लोग घर में अच्छी हाइजीनिक तरीके से बना सकें, तो उसी चीज को मैं लेके चलती हूँ और मैं आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ घर के बने हुए स्प्रिंग रोल्स। ये पट्टी जो है ये बाजारी पट्टी नहीं है, ये घर में बनाई हुई पट्टियां हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर मुझे इस साइज की बाजार की पट्टियां मिल जाएंगी तो हम लोग वो करेंगे। उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती। ये कम से कम आप 1 से 2 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ये फ्रेश बनते हैं और फ्रेश ही डिस्पैच होंगे। स्प्रिंग रोल्स के बाद ये मेरा फ्रोजन चिकन मेन्यू है जिसमें आएगा चिकन टेंडर्स। ये टेंडर्स चिकन टेंडर्स है, ये बच्चे रैप में डाल के आप खा सकते हैं, आप इसको सॉस में डाल के आप इसको बना सकते हैं, एज अ ग्रेवी बना सकते हैं। ये चिकन चॉप्स है, ये देखिए ये चिकन चॉप्स हम लोगों ने बनाई है, अगेन रेडी टू फ्राई है। दिस इज क्रिस्पी फ्राइड चिकन, ये चिकन थाई का होता है और ये हम लोग जो इसके ऊपर कोटिंग है वो लगा के फ्रीज नहीं कर सकते। ये हमने मैरिनेट किया है जिससे मुझे कल ऑर्डर डिस्पैच करना है। ये फ्रेश सुबह इसको हम लोग कोटिंग करेंगे और हम लोग डिस्पैच करेंगे। अभी तो ये से शुरुआत है, आगे वाले दिनों में मैं रोज आपका सर खाऊंगी रमजान मेन्यू लेके। ये एक हिस्सा है रमजान मेन्यू का, इसके अलावा हमारे पास और बहुत सी चीजें हैं जो कि लाइन अप हुई है, वो डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर होंगी। घबराइए मत, पूरा रमजान मेन्यू इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगा और मेरी कोशिश यही होगी कि आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड करूं जिससे वाकई में आपको लगे कि ये घर का ही है। अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे आपको पता है कि शाम के टाइम पर होता है तो मुझे भूख लग जाती है, और मंडे 18 अप्रैल से मैं अफ्तार मेन्यू की बुकिंग लेना शुरू कर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स फ्रॉम ये घर का किचन, योर फूड द वे यू वांट इट।